इन दावों पर पानी फेर रहे हैं, जिन पर सरकार का ध्यान ही नहीं गया। रोजाना औसतन 3 बलात्कार इस सूबे में अंजाम दिए जा रहे हैं। यहाँ बहु बेटियाँ जरा भी महफूज नहीं हैं। प्रमुख गृह सचिव का कहना है कि साल 2011 में जहाँ बलात्कार की 1340 वारदातें सामने आई थी, वहीं साल 2012 में महज 1040 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। बेहद शर्म की बात है कि सरकार के मातहत बलात्कार जैसी घिनौनी वारदातों पर लगाम कसने के बजाय आंकड़े गिनवाने में मस्त हैं। छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं खौफ ज्यादा हैं। कब कोई दरिंदा उनकी असमत नोच ले, कुछ नहीं पता। लेकिन प्रदेश सरकार और उनके मातहत आंकड़ों के फेर में फंसे हैं। हकीकत काफी चौंकाने वाली है, लेकिन क्या किया जाए, सरकार सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। बलात्कार के बढ़ते मामले रोकने के बजाय उन पर पर्दा डालने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। राज्य सरकार और उनके मातहत सूबे में अपराध कम होने की दुहाई दे रहे हैं, आंकड़ों के फेर में फंसे हैं, उधर दरिंदे इन खोखले दावों की पोल खोल रहे हैं। लेकिन अपराध कम हो रहा है, यही कहना है मातहतों का। गैंगरेप का ताजा मामला कानपुर देहात का है। यहां 3 दरिंदों ने एक लड़की की इज्जत तार तार कर दी। थाने के अंदर खड़े इन लोगों का चेहरा गुलजार है, हंसी फूट रही है। बस नहीं चल रहा कि पुलिस के आगे ही जोर जोर से हंस पड़े। माथे पर शिकन का नामो निशान तक नहीं, किसी तरह का कोई पछतावा नहीं। लेकिन इनकी एक हरकत ने एक नाबालिग की जिंदगी तबाह कर दी और ये थाने के अंदर खुश खड़े हैं। जिस अपराध के लिए इन्हें गुनहगार बनाया गया है, उसकी सोच भर से सिहरन दौड़ जाए। किशन और मुनेश, यही नाम है कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद में मुस्कुराते इन लड़कों का। गैंग रेप का संगीन इल्जाम लगा है इन पर, लेकिन इनकी शक्ल देखकर नहीं लगता कि इन्हें खौफ नाम से भी डर लगता है। पीड़िता के मामा ने यह अभियोग पंजीकृत कराया थाने में और इस सूचना पे थाने पे गैंगरेप का अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 1 अभियुक्त शेष है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पीड़िता का मेडिकल करा के विवेचना की कार्रवाई जारी है। कितनी उम्र है? अब ये तो चूंकि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो डॉक्टरी जांच पे पता चल पाएगा। रात का वक्त था, लड़की घर से किसी काम के सिलसिले में बाहर निकली। अनजान थी कि किशन और मुनेश अपने एक साथी के साथ घात लगाए इसका इंतजार कर रहे हैं। हवस की आग उन पर हावी थी। बस किशन और मुनेश ने अपने साथी के साथ मिलकर लड़की को दबोच लिया और फिर बारी बारी से इसकी इज्जत रौंद डाली। 3 लोग खड़े थे वहाँ, हमने इसे देख नहीं पाए। हाँ। जैसे हम भागे पैसे इसी ने लात मार दी। किसने? तुम जानते नहीं हो क्या कौन थे वो? जिसका नाम अंटी, उसी ने लात मारा तो हम गिर गए सर। तो गिर के जैसे हमारा धागा गर्दन में पड़ा था, वैसे फंस गया धागा हमने दिया तो इसलिए उसके नाखून लग गए और कपड़ा फिर मेरे मुंह में घुस दिया और आँखों में पट्टी बांध दी। अब जरा इंसानियत शर्मसार करने वाले इन दरिंदों की जुबानी भी सुन लीजिए, कैसे बेखौफ अपना इकबाले जुर्म कर रहे हैं। डर नाम की कोई चीज इन्हें है ही नहीं।
क्या हुआ था? वो बिगड़ गई और क्या हुआ था? किस तरह से, कैसे बिगड़ा? अब कैसे बिगाड़ा जाता है भाई? चार लोग, तुम लोग कई लोग थे? वो जितने बताती वो इतने लोग थे। अरे चार बताती, चार थे। कहाँ पर घटना, कौन जान दिया? अरे बस थाने बगल में बिगाड़ डाले हम लोगों ने। सुन लिया, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर ये मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ खड़ी देख रही है। पीड़ित लड़की और उसकी माँ खामोश है, क्योंकि बदनामी का जो दाग लगा है शायद ये ताउम्र भूल नहीं पाए। फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किशन और मुनेश को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही तीसरे आरोपी की तलाश में सरगर्मी से जुटी है। सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस। सितंबर 2012 का दिन था। पति रोजी रोटी के लिए घर से बाहर था, लेकिन वो महिला इस बात से अनजान थी कि कुछ दबंग उसकी इज्जत पर वार कर देंगे। अपहरण के बाद उसका रेप किया गया, लेकिन देखिए 21 दिन बीत गए हैं, पुलिस अब भी कान में तेल डालकर बैठी है। गैंग रेप की शिकार महिला, 21 दिन पहले हुआ बलात्कार, 7 दबंग अगवा कर ले गए तमंचे के बल पर, बारी बारी रौन डाली इज्जत, और अब 21 दिन बाद भी महिला इंसाफ के लिए लगा रही है गुहार। पीलीभीत के थाना बिलसंडा में अपने पति के साथ खड़ी इस महिला की आप बीती सुनकर कोई भी इंसान सहम जाएगा। महिला बदहवास है, खामोश है, कुछ बोलने से भी डर रही है, क्योंकि कुछ शैतानों ने अपनी दबंगई दिखाने के लिए इस महिला के साथ बलात्कार किया है। वारदात 18 सितंबर 2012 के दिन अंजाम दी गई। महिला का पति रोजी रोटी के लिए बाहर था, घर पर छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन बेबस और मजबूर इलाके के 7 दबंग घर में दाखिल हुए, तमंचे के बल पर अगवा किया और बलात्कार की वारदात अंजाम दे दी। रूपराम मेरे घर में घुस के आया, मेरी पत्नी को जब जुत्ती पकड़ ले गया और पांचों भाई आए मिलके तमंचा जो मेरे बच्चों के ऊपर रखा कि तेरी माँ को, तेरे पिता को मार दूंगा, चिल्लाएगा तू। वो अपने घर पर उन्होंने दुष्कर्म किए कमरा में बंद करके। तो रात को मेरी पत्नी जब लौटी तो हमको बाबे से जो लौटे तो उसके बाद हम बताओ शाम। महिला थाना बिलसंडा के गांव पीपर गहना की रहने वाली है। वारदात के 21 दिन बीत गए, लेकिन अब भी इंसाफ नहीं मिला। पति के साथ न्याय की उम्मीद लिए दर दर की ठोकर खा रही है, लेकिन शर्मनाक बात है कि पुलिस मजलूमों का साथ देने के बजाय उन दबंगों का साथ दे रही है जिन्होंने इस हंसते खेलते परिवार पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया। पुलिस पीड़ित परिवार पर ही दबाव डाल रही है कि आरोपियों से समझौता कर लिया जाए। मेरा धन है गया, मेरा पति काम करने गया बाहर, और रोकराम मेरे घर घुसे आए दिन के 10 बजे, और तमंचा दिखाओ मैं, और कोई तो मेरी पत्नी भी कह रहा, और रूपराम देवदत्त और सुशील राजकुमार इंद्रजीत ये सब जने आई गए मेरे घर आए समय, राज रूपराम उठाई ले गया मैं जबरदस्ती हाँ दे उन्हें कछु दोस भरी बैठा रहे रखे कछु करो ही नहीं। मामी दरखास्त क्या कहा पुलिस ने? उन्हें कहीं देखे राजीनामा ले लो और 5,000 रुपया ले लो और देखो मुकदमा ना करा। पुलिस ने आला अधिकारियों के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज तो किया, लेकिन झूठा करार देकर एक्सपंज कर दिया, यानी खारिज कर दिया। लेकिन गांव का हर शख्स उस मंजर का गवाह है जब दबंग
जबरदस्ती महिला को उठाकर ले गए। फिर भी पुलिस अपने चहेतों की हरकत बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। ये रूपराम और देवदत्त, राजकुमार, इंद्रजीत, ये लोग थे और सेठा जी थे और रिश्तेदार भी थे। हमने देखा ये लोग नीचे ले जा रहे थे। किसको नीचे ले जा रहे थे? इनको ले जा रहे थे नीचे। उसके बाद हम गए पीछे से, इनने भाई तमंचा मंचा दिखा दिया। फिलहाल पीड़ित महिला और उसका पति इंसाफ की उम्मीद लिए पुलिस की चौखट पर बार बार दस्तक दे रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस तो कान में तेल डालकर बैठी है। अब जरा सोचिए, यूपी के नौकरशाह बयान दे रहे हैं वारदातों में कमी का। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे यूपी पुलिस के एक दरोगा की घिनौनी करतूत। इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली, उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आज ली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर सिनेमा लाइव पर हर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ों की जादूगरी दिखाई, आंकड़ों का खेल दिखाकर जनता को यह समझाने की कोशिश की कि राज्य में वारदातों में कमी आई है, लेकिन हकीकत में एकदम उलट है। बदमाश तो बेलगाम हो ही चुके हैं, लेकिन जिन पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आज हैवान बन चुके हैं। यकीन करना जरा मुश्किल है, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यकीन करना ही होगा। धुंधली तस्वीर में दिख रही इस महिला के चेहरे को छिपाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जिस घिनौनी करतूत का शिकार ये बनी है वो वाकई रूह कपाने वाली है, दिल पर चोट करने वाली है, साथ ही इंसानियत के लिए भी शर्मनाक है, क्योंकि इस महिला की असमत से 4 साल तक खिलवाड़ किया गया है।
हवस की भूख मिटाई गई है। जी हाँ, गोरखपुर के जंगहा थाना इलाके के जुल्हा बारी गांव की रहने वाली इस महिला के साथ बलात्कार किया गया है। हवस की ये भूख किसी बदमाश ने नहीं